So guys, in this video, I show you how to draw freehand outline. तो मैं कैसे freehand outline draw करता हूँ तो मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो draw करने के लिए जो मैं पेपर यूज़ करता हूँ वो है Brewster का 200 GSM, जो कि एक बेस्ट क्वालिटी पेपर है, जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और Camlin की 0.5 मैकेनिकल पेंसिल। तो ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए एक रेफरेंस, तो मैं रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ पिंटरेस्ट ऐप, जो कि बेस्ट ऐप है फॉर एनी रेफरेंसेस। तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ अकाज़ा फ्रॉम डीमन स्लेयर। तो मैं आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप यूज़ करता हूँ, तो मैं फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ जिस पेपर पर मैंने ड्रॉ करना है, तो जैसे वो A5 हो, A4 हो, A3 हो, कोई भी साइज़ का पेपर हो। एंड जैसे मैं लॉन्ग वीडियोज़ के लिए A4 साइज़ का पेपर यूज़ करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं फ़ोटो को जूम कर लूँगा। तो जैसे पेपर की लेंथ और ब्रेथ 30 and 21 cm है, तो उतने ही मैं फ़ोटो को जूम कर लूँगा। अब फ़ोन की जो ब्रेथ है वो 6.7 cm है, तो उसको मैं आगे आगे ऐड करता जाऊँगा जब तक उतना साइज़ नहीं आ जाता है। अब 6.7, 6.7, 13.4 और उसके आगे और 3 ऐड करने से वो 21 cm नहीं बन रहा, तो उसको मैं और जूम कर लूँगा जब तक उतना साइज़ नहीं आ जाता। इस तरह से मैं लेंथ को भी मेजर कर लूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपको कोई ऐसी कोई इजी ट्रिक बता दूँगा कि आप परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो तो प्रैक्टिस पे है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली ड्रॉ करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। कभी कभी जूम करने से भी परफेक्ट साइज़ नहीं मिलता, कभी कभी ऊपर या साइड से थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है रेफरेंस, तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं जब तक कि परफेक्ट साइज़ नहीं आ जाता। तो अब मैंने फ़ोटो को जूम कर लिया है पेपर के साइज़ के हिसाब से, एंड थोड़ा बहुत डिफरेंस था तो उतना चल जाता है। अब मुझे एक पॉइंट चाहिए ड्रॉ करने के लिए जहाँ से मैं स्टार्ट करना है, तो मैं आईज से स्टार्ट करता हूँ ऑलवेज, तो उसके लिए मैं एक पॉइंट मार्क कर लूँगा। अब जैसे मैं फ्री हैंड ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ऑब्जर्वेशन। जितनी ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, उतने अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। जैसे मैंने अब एक आई से दूसरी आई का डिस्टेंस कितना है वो आपको ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है, एंड नोज़ एंड लिप्स के बीच कितना डिफरेंस है, तो मैं उस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ऑब्ज़र्व करके। इससे जो आपको बेनिफिट होगा, एक आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी प्रोपोर्शंस की नॉलेज इंक्रीज़ होगी। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप इतना परफेक्ट कैसे ड्रॉ करते हो, तो अब जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो उसे मैं बार बार इरेज करके ड्रॉ करता हूँ जब तक कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन रिजल्ट ना मिल जाए। आपको तब तक ड्रॉ करना है, बार बार मिस्टेक्स हो रही है तो आप उसको बार बार इरेज करके ड्रॉ करो जब तक कि आपको देखने में अच्छा ना लगे। अब जैसे मैंने फेस को ड्रॉ किया, तो इसको ड्रॉ करने में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में। अब जैसे फेस अच्छे से ड्रॉ हो गया, तो बाकी बॉडी को ड्रॉ करने में कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी एंड वो इजीली ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं अकाज़ा के हैंड्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अकाज़ा का ये हैंड्स वाला पोज बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था, तो मैं कोई ऐसी रेफरेंस देख रहा था पिंटरेस्ट पे जो किसी और ने ड्रॉ ना किया हो ये वाला पोज अकाज़ा का, तो बहुत ही ज़्यादा ढूंढने पर मुझे ये वाली रेफरेंस मिली। बाकी कभी कभी हैंड्स को ड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो ये सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना आप रोज़ रेगुलर ड्रॉ करते जाओगे उतनी आपकी ड्राइंग अच्छी होती जाएगी। तो इतना ड्रॉ करने में पेंसिल का सिक्का भी टूट गया है, पहले इसको चेंज करते हैं एंड देन कंटिन्यू माय ड्राइंग। अकाज़ा की आउटफिट को ड्रॉ करने के बाद उसके पैरों को ड्रॉ करूँगा, तो इसकी आउटफिट एक तो देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगती है, और जो इसके टैटूज़ बने हुए हैं या कर्स मार्क्स जो भी है वो दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं। फेस एंड बॉडी को ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसकी आइज़ को ड्रॉ करूँगा। तो अगर आप डीमन स्लेयर के फ़ैन हैं तो कमेंट से बताना कि अकाज़ा कौन सा अपर रैंक डीमन है, एंड इसकी आइज़ में भी शायद इसका अपर रैंक नंबर लिखा होता है जापानीज़ में। तो अब करैक्टर को कंप्लीट ड्रॉ करने के बाद जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है उसको मैं ड्रॉ कर लूँगा। तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।